करने वाले हैं। आठवीं बोर्ड जो है उसका संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आखिरकार ये संशोधित टाइम टेबल जारी करने की क्या जरूरी पड़ी है, इसको क्यों जारी किया गया है, ऐसे क्या कारण थे जो पुराने टाइम टेबल को बदला गया है, इनके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक हम ऊपर आई बटन में दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए कि इनको चेंज क्यों किया गया है। अब बात आती है चेंज करने के बाद में नया टाइम टेबल क्या आया है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ बात करूं तो अपना जो 8th क्लास का जो टाइम टेबल है वो सुबह प्रातः 8:30 से 11 बजे तक का ही टाइम रहेगा। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की बात अपन कर रहे हैं और यहाँ पर 5 मई 2021 बुधवार अंग्रेजी है, 6 मई को गुरुवार को अंतराल है, 7 का भी अंतराल है और 8 का भी अंतराल है और 9 मई रविवार को हिंदी का एग्जाम है। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए आप, 9 मई रविवार को हिंदी का एग्जाम है, 10 मई सोमवार को अंतराल है, 11 मई सोमवार को मंगलवार को भी अंतराल है, 12 मई बुधवार को गणित का एग्जाम है। तीन एग्जाम हो गई यहां तक, आगे अपन चलते हैं। 13 की अंतराल है, 14 को परशुराम जयंती का अवकाश है, 15 से लेकर आगे फिर भी अंतराल चल रहे हैं 23 तक, मतलब 12 के बाद में जो एग्जाम होगा वो 23 के बाद में 24 को सोमवार को एग्जाम होने वाला है, वो होगा विज्ञान का। आगे बात करें तो फिर 28 को होगा, 25, 26, 27 का अंतराल है, फिर 28 को शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है, फिर 29 मई को शनिवार को जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं इनमें से एक लेना पड़ता है, तो हो सकता है आपका संस्कृत का, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत शिक्षा विभाग उसका आपका एग्जाम हो सकता है। तो सीधी भाषा में बात करूं तो 5 तारीख को अंग्रेजी, 9 को हिंदी, 12 को गणित और यहाँ पे 24 को विज्ञान और 28 को सामाजिक विज्ञान और 29 को यहाँ पर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका एग्जाम है। यहाँ पर कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इनको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।